आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए। गुजरात से जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? क्योंकि जो उम्मीद आम आदमी पार्टी वहां पर लगा रही थी, वैसी उम्मीद तो आंकड़ों में नजर नहीं आ रही। सबसे पहले तो मैं गुजरात की जनता का नमन करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने आज राष्ट्रीय दल बनाया है। जो अभी तक के परिणाम के रुझान आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में उभर रही। 10 वर्षों में हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी है। तो इस परिणाम को अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखें तो हमारे लिए उत्साहजनक है कि आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय दल के रूप में उभर गई और पूरे देश के अंदर अब हमारा विस्तार होने में, आम आदमी पार्टी को अपना मजबूत संगठन बनाने में, लोगों का विश्वास जीतने में मदद मिलेगी, चुनावों में सफलता पाने में भी मदद मिलेगी। पहला चुनाव था देखिए, और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अगुवाई में, अगर हम लोग गुजरात के अंदर अभी तक जो 15% वोट ऐसा लग रहा है कि मिलेगा, तो मैं समझता हूं ये अच्छी शुरुआत है, आगे और बढ़ेगी पार्टी। लेकिन अब इसके साथ कई सवालों से भी आपको गुजरना होगा, ये तो आप मान ही रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि जो अफसोस है उसको क्या आप राहत में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो गारंटियां दी, जो भविष्यवाणियां आपने की, वो कहीं ना कहीं जमीन पर उतरती हुई नजर नहीं आई। पहली बात, कोई पार्टी चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, और अगर आप दावों की बात करना चाहते हैं तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 बार 2018 के बाद चुनावों में अलग अलग दावे किए, वो चाहे बंगाल का हो, वो चाहे दिल्ली का हो, वो चाहे हरियाणा का हो, वो चाहे महाराष्ट्र का हो, और देखिए कितने आंकड़े बोले उन्होंने, कितनी सीटें जीतेंगे, इतनी सीटें जीतेंगे, और 11 बार वो गलत साबित हुए। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2019 में प्रधानमंत्री रहते हुए पूरी ताकत लगाते हैं आंध्र प्रदेश के चुनाव में, 173 सीटों पे लड़ते हैं, सभी सीटों पे जमानतें जब्त होती हैं, 0.8% भारतीय जनता पार्टी का वोट है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का वोट प्रतिशत आंध्र प्रदेश में 1% से भी कम है। तो मैं समझता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल पहले चुनाव में जाते हैं गुजरात के अंदर और इतनी बड़ी सफलता मिल रही है कि राष्ट्रीय दल गुजरात की जनता ने हमको बनाया है, तो हम गुजरात के लोगों का धन्यवाद देते हैं और हमारे लिए अच्छी शुरुआत है। मेरा एक और सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने गारंटियों का ऐलान किया, जिस तरह से आप लोगों के बीच में गए, आप लगातार गुजरात में बने हुए थे, तो कमी कहाँ रह गई? आकलन फिलहाल आपका क्या कहता है, जो रुझान आपको समझ में आ रहा है? हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन 27 साल का मोदी और अमित शाह का गढ़ है गुजरात, भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है गुजरात। उस किले में भेद लगाना, उस गढ़ में भेद लगाना, ये बड़ी चुनौती है। मंथन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लग नहीं रहा कि कोई कमी रह गई। हाँ। आगे हम और चीजों की समीक्षा करेंगे, निश्चित रूप से कोई भी चुनाव परिणाम आता है, मैं तो कह रहा हूँ जीत हो या हार हो समीक्षा संगठन करता है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की दृष्टि से आप देखें तो मैं ये कहूंगा कि ये एक बड़ा मतलब संदेश और गुजरात की जनता का आशीर्वाद है कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने आज राष्ट्रीय दल बनाया। चलिए एक आखिरी सवाल, की राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा आपको मिल रहा है तो क्या इसको सेलिब्रेट करने की आप तैयारी कर रहे हैं? पूरे देश के कार्यकर्ता सेलिब्रेट करेंगे, पूरे देश के कार्यकर्ता सेलिब्रेट करेंगे। 10 वर्षों में एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए तो उसका जश्न ही मनाना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है हम लोगों के लिए। राजनीति में ये एक अलग तस्वीर देखने के लिए मिलेगी। संजय सिंह सीधे तौर पे कहते हुए कि आज गुजरात का जो परिणाम आया है इसके इतर सेलिब्रेशन होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर रही है। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली।